नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया। चलो देखो, मैंने आपको कल पढ़ाया था भाषा और भाषा के रूप। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ लिपि और व्याकरण। बच्चों, लिपि क्या होती है? लिपि जिन चिन्हों द्वारा हम अपने भाव या विचार लिखकर प्रकट करते हैं, उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। चिन्हों को क्या कहते हैं? लिपि। यानी जिन चिन्हों द्वारा हम अपने भाव या विचार लिखकर प्रकट करते हैं, उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। बच्चों, आपको पता है हमारे भारत देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन इनमें से मैंने कुछ ही भाषाओं की लिपि बताई है। देखो, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी, पंजाबी की गुरमुखी, अंग्रेजी की रोमान, उर्दू की फारसी। तो बच्चों, ये हमारी हो गई लिपि। बच्चों, आपको पता है हमारी दो किताबें हिंदी में, सामाजिक की एक, विज्ञान की एक, गणित की एक, लेकिन हिंदी की दो क्यों? क्योंकि एक हमारी होती है हिंदी फर्स्ट और एक सेकंड, यानी हिंदी व्याकरण, है ना। तो बच्चों, हिंदी व्याकरण की हमको किताब लगाते, तो क्यों व्याकरण की क्यों लगाई जाती है? तो इसका पता है क्यों लगाई जाती है? क्योंकि व्याकरण से हम शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना सीखते हैं। तो बच्चों, व्याकरण का जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम हिंदी नहीं पढ़ सकते। तो आपको बताया बच्चों, आपको पता है कि जो व्याकरण क्या होता है? व्याकरण व्याकरण वह शास्त्र होता है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना सीखते हैं। बात समझ आई? व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और समझना सिखाते हैं। व्याकरण होती है। बच्चों, मान लो मैं कुछ बोल रही हूं और आप कुछ लिख रहे हो, और सामने वाला क्या पढ़ रहा है, ये तीनों गलत है। जब तक कि हम शुद्ध बोलेंगे नहीं, शुद्ध लिखेंगे नहीं, शुद्ध पढ़ेंगे नहीं, तब तक हमारा वाक्य या शब्द सही नहीं होगा। मान लो मैं कह दूं आपको, मैं आज कह दूं, बच्चों मैं आपको किताब पढ़ा रहा हूं, आप कहोगे तो मैडम है और कह रही पढ़ा रहा हूं, तो आप कहोगे कि मैम तो गलत बोल रही है, क्योंकि इसीलिए हमको व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। तो मान लीजिए मैंने आपको ये कहा कि सुनीता खाना खा रहा है। बच्चों, सुनीता क्या है? लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग है। और खा रहा है जो क्रिया है, वो गलत बोल रहा है, तो इसलिए शुद्ध बोलने के लिए सुनीता खाना खा रही है, ये वाक्य शुद्ध है, लेकिन सुनीता खा रहा है ये वाक्य क्या है? गलत है। तो हमें व्याकरण के द्वारा ये बात का पता चलता है कि कैसे शुद्ध बोला जाता है, कैसे पढ़ा जाता है और कैसे लिखा जाता है। बच्चे, इसकी तीन भाग होते हैं, व्याकरण के तीन भाग होते हैं। पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार, तीसरा होता है वाक्य विचार। बच्चों, वर्ण, शब्द और वाक्य, वर्ण से शब्द बनता है और शब्द से वाक्य बनता हो। जैसे हम कुछ भी ले ले, हम जैसे आपको पता है हम पहले ऐसे ना सीखते हैं, फिर क ख ग घ ण सीखते हैं, फिर हम क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। फिर शब्दों के बाद क्या बनाते हैं बच्चों? वाक्य बनाते हैं। तो हम पहले जो है छोटी छोटी चीजें सीखते हैं, उस छोटों से फिर बड़ा शब्द बनता है, शब्द से वाक्य। मान लीजिए कि मैंने आपको कहा बच्चों लिखो क, फिर मैंने आपको कहा प्लस म, फिर प्लस ल, तो ये अलग अलग लिखो और इसको मिलाओ, तो आप कहोगे मैम ये तो क म ल बन गया, तो कमल का अलग मैं अलग ल, ये तो हो गए वर्ण, और एक साथ बोलेंगे क म ल, ये बन जाएगा शब्द। और जब हम बोले कमल फल खा, कमल अलग हो गया, फल अलग, खा अलग, और जब हम एक साथ बोलेंगे कमल फल खा, तो ये क्या बन गया? वाक्य है। तो वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है, वर्ण से फिर शब्द बनता है और शब्द से फिर बच्चों क्या बनता है?
वाक्य। तो ये हमारा होता है व्याकरण। एक बार फिर मैं आपको बोलती हूँ कि लिपि जिन चिन्हों द्वारा हम अपने भाव या विचार लिखकर प्रकट करते हैं उन चिन्हों को क्या कहते हैं बच्चों? लिपि कहते हैं। भाषा और लिपियां बहुत सारी थी, लेकिन हमने आपको कुछ यहाँ बताई है कि हिंदी की लिपि देवनागरी है, संस्कृत की देवनागरी, पंजाबी की गुरमुखी, अंग्रेजी की रोमन और उर्दू की फारसी। तो ये हमारी क्या हो गई? लिपि। और वही वैसा ही व्याकरण कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और समझना सिखाता है। और व्याकरण के तीन भाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। बच्चों मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने रूप होते हैं। आज मैंने आपको बताया लिपि और व्याकरण। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। आप जब भी पढ़ने बैठो तो आप अपनी किताब को खोले, उसमें भाषा, उसके बाद लिपि और व्याकरण, इसके बारे में एक बार और अच्छे से देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कल मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी, ठीक है बच्चों? आप एक कॉपी, नई कॉपी लेना, उसमें जो मैं क्वेश्चन आंसर लिखवाऊ वो आप उसमें सुंदर सुंदर लिखना। बात समझ में आ गई बच्चों? बाय, थैंक यू।